जो देश के भविष्य का निर्माण करें उन्हें वेतन देने में इतनी फजीहत क्यों? शिक्षकों के वेतन देने में हर माह होती है देरी, परंतु ऐसा क्यों? अब सितंबर 2022 का वेतन अगले सप्ताह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षक संगठनों ने बराबर मांग किया है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो भी वेतन मिलता है सर्वप्रथम उसे समय से उपलब्ध कराने की मुकम्मल व्यवस्था हो। परंतु कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि दर्जनों आंदोलनों के उपरांत भी एक छोटी सी मांग पूरी नहीं हो सकी। समय पर वेतन मिलना कितना जरूरी है इसे बताने की जरूरत नहीं है। हम सबको यह बात बखूबी पता है कि पैसे के अभाव में कुछ नहीं हो सकता है इस दुनिया में। एक तो नियोजित शिक्षकों का वेतन कम है और दूसरी समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जाता। दुख तो तब होता है जब सरकार आवंटन भुगतान हेतु उपलब्ध करा भी दे तो पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण एक दो सप्ताह देरी से भुगतान हो पाता है। मतलब साफ है कि नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान में कोई भी गंभीर नहीं होता है। इस दुर्गा पूजा में भी पहले की भांति ही अनेक जिलों में लापरवाही बरती गई और ऐसे महान पर्व पर भी बिहार के शिक्षकों को वेतन के बिना त्योहार मनाना पड़ा। आखिर ऐसी लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर शिकंजा कौन कसेगा? जब तक लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर शिकंजा कसा नहीं जाएगा तब तक ऐसे ही बिहार के नियोजित शिक्षकों को दशहरा, दीपावली और होली ऐसे महान पर्वों पर भी भुगतान लंबित रहेगा। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।